I'm creative Nas. Welcome back to my YouTube channel. And आज मैं बनाने वाली हूँ एक कस्टमाइज्ड पेंटिंग, जिसमें उसको कुछ ये मैं एंड पे बताऊँगी कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेस रेडी करनी है, तो बेस रेडी करने के लिए मैं सारा बैकग्राउंड ऑरेंज कलर का पेंट करूँगी। एक्रेलिक पेंट मैं यूज़ कर रही हूँ और ब्रश के साथ मैं पूरे कैनवस को ऑरेंज कलर से पेंट कर दूँगी। क्रिएटिव नास की क्रिएटिविटी ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। बैकग्राउंड पेंट करने के बाद मैं इसमें कलर्स ऐड करने के लिए कुछ एक्रेलिक पेंट्स को इस पर स्प्रिंकल करूँगी विद द हेल्प ऑफ अ रफ ब्रश। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने रफ ब्रश का क्यों कहा, और उसकी रीज़न ये है कि जो रफ ब्रश होते हैं उससे ही या आप किसी भी टूथ ब्रश से आप कलर्स को अच्छे से स्प्रिंकल कर सकते हो। यहाँ मैं आपको एक टेक्निक बताती जाऊँ कि अगर आपको मोटे मोटे कलर्स फैलाने हैं अपने कैनवस के ऊपर, तो आपको उसके लिए एज इट इज़ एक्रेलिक पेंट को यूज़ करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो ड्रॉप्स हैं वो छोटे छोटे साइज़ में हों, तो आपने अपने एक्रेलिक पेंट में कुछ पानी ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर के अंदर कुछ पानी ऐड किया, जिसकी वजह से ड्रॉप्स जो हैं वो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह मैंने आगे ब्लू कलर इसमें ऐड किया है ताकि बैकग्राउंड हमारा बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जिन बंदों को ज़्यादा टेंशन रहती है या जो लोग ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, उनके लिए पेंटिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसकी रीज़न ये है कि जब बंदा पेंटिंग करता है तो उसका फुली फोकस्ड उसकी पेंटिंग होती है, उसकी आर्ट वर्क होती है। तो ये पेंटिंग की क्रिएटिविटी आपके माइंड को रिलैक्स रखती है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत सिंपल काम है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको एक्रेलिक पेंट की पूरी सीरीज बताऊंगी। अब ये था मेरा बैकग्राउंड जो बहुत ज़्यादा कलरफुल है। सो आगे गाइस, मैंने इसमें कुछ ड्रॉ की हैं स्पैरोस, जिनकी मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये आपने खुद करना होता है। मैं एज अ रेफरेंस पिक्चर आपको एंड पर देती जाऊँगी, आपने उसे देखकर पेंटिंग करनी है। अगर आपको यही पेंटिंग करनी है तो वो मेरी एंड वाली पिक्चर्स इसकी रेफरेंस पिक्चर्स हैं। बाय द वे यार, ये स्पैरो इतनी क्यूट बनी थी ना कि मैं खुद भी पोस्ट नहीं कर पा रही थी कि मैंने बनाया। ये है मेरी पूरी पिक्चर। अंधेरे की वजह से मेरे हाथ, मेरी पेंटिंग सब कुछ ख़राब आ रहा होता है, तो मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरह आपने भी मेरे चैनल को इम्प्रूव करना है और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पता नहीं लोग फ्री का काम कैसे छोड़ सकते हैं। तो यार, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब भी फ्री का काम है, तो यहाँ करने करके जाना। ये मेरी रेफरेंस पिक्चर्स हैं, आप इसे यूज़ करके पेंटिंग कर सकते हैं। ये है आपकी क्रिएटिव नास। अगर आपको भी कस्टमाइज्ड पेंटिंग बनवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरी यूट्यूब के बायो में मिल जाएगा। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड गुड नाइट।